हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने एग्रीकल्चर का ओवरव्यू पूरा देख लिया, पता चल गया होगा कि क्या से क्या पढ़ना है इसमें। बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल बात है। तो आइए एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं, यानी कि पहला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि आखिर उसमें क्या पढ़ना है। हमें जानना है कि एग्रीकल्चर जो है भारत की में कितने परसेंट लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। तो आपने बचपन से सुना होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 2/3, यानी कि बहुत बड़ी आबादी, 2/3 आबादी कृषि में, खेती बाड़ी में इन्वॉल्व है, संलग्न है। ये एग्रीकल्चर असल में एक प्राइमरी एक्टिविटी है। आपने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी किसे बोलते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी उस एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें किसी भी चीज़ को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल फैक्टर। तो एग्रीकल्चर तो भाई नेचर के बिना संभव ही नहीं है, समझ में आ रहा है बात। अब देखिए, एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है। अब एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? परीक्षा में आपसे यही सवाल पूछे जाएंगे कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। मैं क्या करूँगा कि 2 से 3 टॉपिक पढ़ा दूंगा उसका, तो मतलब फिर उससे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी आपको कवर करता चला जाऊँगा, ताकि आपके मन में ज़रा सा भी संकोच नहीं रहे कि किस प्रकार का सवाल आएगा। तो चैप्टर पढ़ाता रहूँगा और साथ साथ में MCQ का भी आपका प्रैक्टिस करवा दूँगा। इम्पोर्टेंस क्या क्या है? एग्रीकल्चर से हमें एक फूड मिलता है, ये तो बच्चा बच्चा जान रहा है कि जो फूड है वो कहीं ना कहीं खेत उगाया जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चावल, गेहूं, चावल एक स्टेपल डाइट है, बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल होता है, एक खरीफ क्रॉप है। व्हीट है, हालांकि ये रबी क्रॉप है, ये फूड के तौर पे यूज हो रहा है। मेज है, दाल है, पल्सेस कहते हैं जैसे। भारत दाल में एक नंबर आता है, पल्सेस में पूरे दुनिया में एक नंबर में, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी है और सबसे ज़्यादा खैवो करते हैं हम लोग, यानी सबसे ज़्यादा उगाते भी और सबसे ज़्यादा खाते भी हैं। असल में कारण इसका कि वेजिटेरियन डाइट के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है ये। फिर मेज़ कहते हैं मकई को, ये तो जानवर भी खा लेते हैं और इंसान भी हम लोग खाते हैं, तो ये फूड और फॉडर के तौर पर भी यूज़ होता है। तो ये कुछ ऐसा क्रॉप है जो जिससे हमें फूड की प्राप्ति होती है, एक तरह से ये फूड के तौर पे हमें मिलता है। फिर कुछ ऐसा भी क्रॉप है जो इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के तौर पे यूज हो सकता है। एग्रीकल्चर से कुछ ऐसे रॉ मटेरियल हमें मिलते हैं जो हम इंडस्ट्री में यूज करेंगे। अब एग्जांपल देखा जाए तो ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी। जैसे कॉटन है, तो ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज हो जाएगा। कपड़ा वगैरह बनता है, जूट है, तो जूट से क्या होता है कि जूट एक इंडस्ट्री में यूज़ होता है। जूट से आप बैग बना ले रहे हैं, बोरा बना ले रहे हैं, जूट से आप जो है रस्सी बना लेते हैं, जूट से चटाई बना लेते हैं, ये सब तो होता ही है भाई। और साथ साथ में शुगर केन, शुगर केन से क्या है, चीनी है। शुगर केन गन्ना को कहते हैं, एक बार मैंने बच्चे को बताया कि शुगर केन से चीनी मिलता है, उसको शायद नहीं मालूम था, उसको बड़ा अजीब लगा, सर सही में शुगर केन से चीनी मिलता है। शुगर केन से चीनी है, भूरा है, आपका गुड़ है, रावा है, कई लोगों को पता नहीं रावा किसे बोलते हैं, मोलेसेस जिसे कहते हैं, वो प्राप्त होता है। आगे हम लोग इससे कुछ ऐसा भी मटेरियल है एग्रीकल्चर का जो हम दुनिया के दूसरे कंट्री में जाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ETC, इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं दुनिया के अलग अलग कंट्री में। तो ये एक बेसिक वीडियो है जिसमें हम लोगों ने बात किया एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्शन के बारे में। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, 2/3 लोग इसमें इन्वॉल्व है। ए मास्टर थोड़ा धीमा करो ना यार, आवाज़ तो थोड़ी इधर ही आ रहा है लोअल। तो हम लोगों ने क्या देखा है इसमें, एग्रीकल्चर भारत का एक प्राइमरी एक्टिविटी है, इसमें आप कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है, 2/3 लोग इन्वॉल्व। इम्पॉर्टेंस के तौर पर इसमें चीज़ें मिल रही है, रॉ मटेरियल तौर पे भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल है, टेक्सटाइल का भी, शुगर है, फिर एक्सपोर्ट भी कुछ चीज़ें फॉरेन एक्सचेंज का, चाय फी और मसाला वगैरह। होप कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं और उसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में।
कहीं मत जाइएगा, ध्यान से अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी सूचना मिलने वाली है जो कि चैप्टर को समझने में आपको बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू।